विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन संबंधी बैठक में विधायक एवं महापौर प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल ने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित शिविर लगाए जाएंगे। हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा, हमारा केंद्र सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम आया है, उसको लेकर सभी अधिकारियों के साथ में मीटिंग करी है। 4 बजे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, उस कार्यक्रम का मोदी जी दिल्ली से और मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री जी उज्जैन से शुभारंभ करेंगे, जिसका हमने हमारे वार्ड क्रमांक 6, 7 और 8 के बीच में इटावा बस स्टैंड एक सेंटर तय करा है, जहाँ पर हम कल इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले हैं। वहाँ पर हमारी केंद्र शासन से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के शिविर भी लगेंगे, जहाँ पर व्यक्ति सीधा फॉर्म भराकर, वो चाहे उज्ज्वला का हो, प्रधानमंत्री आवास का हो, स्वनिधि का हो, आयुष्मान का हो, आधार का हो, इस प्रकार के शिविर लगेंगे। तत्काल फॉर्म भराकर वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और शासन की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। जिन हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ पहले से ले रहे हैं, उनसे भी संवाद करेंगे कि आपको योजना से क्या लाभ मिल रहा है, कितना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो भी सारा संवाद का कार्यक्रम होगा। वहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधियों का भी उद्बोधन होगा और इस प्रकार का एक भव्य कार्यक्रम होने वाला है, जिसको लेकर सभी विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग करी है। उनकी तैयारियों को लेकर आज हम सब लोग बैठे थे।